बाओ फ्रॉम के मेकर साले बहुत जालिम है। पूरे एपिसोड में स्टोरी खींचने का काम करते हैं, लेकिन एंडिंग इतनी सॉलिड करते हैं कि सारा गुस्सा शांत हो जाता है। मतलब फ्रॉम के मेकर्स उस कलेसी गर्लफ्रेंड की तरह हैं जो पूरे दिन तरह तरह के बातों से कलेस तो करती रहती है, और जो हमारा दिल पूरी तरीके से भर जाता है, इनफ हो जाता है कि बाबा ब्रेकअप हो ही जाए क्योंकि तुझे इतनी दिक्कत हो रही है मुझसे। तभी साला गर्लफ्रेंड बोल देती है कि आज घर पर कोई नहीं है, और हम लौंडे क्या ही करें, सिंपल क्रिएचर हैं, फंसी जाते हैं इस झांसी में। तो ना ये चैन से खत्म ही कर रहे हैं स्टोरी को, और ना ही ये ढंग से स्टोरी दिखा ही रहे हैं। ऊपर से लास्ट में टीच करके अलग चले जाते हैं। चलो बाबा, फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 9 ड्रॉप हो चुका है तो बात कर लेते हैं। बाकी आज का एपिसोड लिटरली डिसअपॉइंट करके गया है, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक एपिसोड है इनके पास सीजन 3 को खत्म करने के लिए, यानी फिनिशिंग देने के लिए सीजन 3 की। और उस एक एपिसोड में ये क्या ही भर देंगे, यानी क्या क्या भर देंगे, क्या दिखा देंगे, ऐसा कुछ भाई। इट लुक लाइक सीजन 3 की एंडिंग वर्स्ट होने वाली है। चलो बात कर लेते हैं भाई, बहुत भरा पड़ा हूं। बाकी जो भी हमने थ्योरीज पिछली वीडियोस में सेट करी थी, उसकी एक बात सच होते नजर आई है। पेशेंस बना के रखना, जो भी थ्योरी सेट हुई थी वो 10th एपिसोड में मिलने वाली है डेफिनेटली। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बॉयड एंड एल्जिन से, जो फातिमा को जंगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फातिमा को एल्जिन ले जा चुका है जो उन्हें नहीं पता है, और उस रूट सेलर के अंदर हाइडिंग सेल में कैद कर दिया है। लेकिन इसी बीच देखने को मिला बॉयड को पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई, जहां उसका पांव जाम होने लगा, हाथों में पेन होने लगा बीच जंगल में। तभी स्टोरी का एंगल जाता है एल्जिन और फातिमा के पार्ट पर, जो स्नीक पिक वीडियो भी लीक हुई थी इस पार्ट की, जिसमें हमने इस वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, जहां फातिमा रिक्वेस्ट कर रही है एल्जिन से कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो। बाकी एल्जिन उसे समझा रहा है कि यू आर नॉट प्रिजनर हियर, एंड कन्विंस करता है उसे खाना खाने के लिए, यानी फूड ईट करने के लिए, वही गार्बेज एंड रॉटन वेजेस वगैरह वगैरह। तभी फातिमा को एल्जिन खून पिलाता है, एंड एक बार के लिए फातिमा बाबा वैम्पायर लुक देते नजर आई, जो बहुत बहुत ही भयानक था। और अगर मैं करेक्ट हूं तो ये एल्जिन का ही खून होगा जो उसने पिछले एपिसोड में निकाला था फातिमा को यहां कैद करने से पहले। तभी स्टोरी का एंगल जाता है विक्टर सारा एंड टैबिथा की तरफ, जहां विक्टर को बहुत कुछ याद आ चुका है और वो अब फिर पागलों की तरह एक्टिविटी कर रहा है। और तभी टैबिथा विक्टर का हाथ पकड़ती है और उसे सडनली कुछ याद आता है, बट थोड़ी सी देर के लिए समझ नहीं पाई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ये भाई इस एपिसोड में बहुत बकैती दिखाई गई है, इतने इलॉजिकल प्लॉट्स मेंशन कर रखे हैं जिनका कोई इतना खास यूज है भी नहीं। लाइक जूली का डंजन प्लेस से आने के बाद क्रिस्टी और मेरिल उसका चेकअप कर रहे हैं, और वहीं उसके बाद इन सब का फैमिली रियूनियन होता है, टेक केयरिंग वगैरह वगैरह। जिम ने कोशिश करी पूछने की कि आखिर वहाँ हुआ क्या, तो जूली ने एक ड्रीम बोलकर इस बात को टाल दिया। तभी स्टोरी में रैंडल का हेड स्ट्रोक भी देखने को मिलता है, जहाँ उसे वो बग्स की चीची की आवाज़ सुनाई दी थी, एंड दैट्स ऑल, जो हमने पिछली बार भी सुना था और देखा था। उधर कॉलोनी हाउस में डॉना फातिमा के कुछ यादों की याद करके सोच में डूबी हुई है और दुखी भी है, जो टिली के साथ हुआ फातिमा के द्वारा उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था फातिमा से। बाकी डॉना बहुत डरी हुई तो पहले से थी ही, और इस इंसिडेंट के बाद वो फिर से टूटती हुई नजर आई है। स्टोरी के दूसरे एंगल में सारा को उस डंजन प्लेस के बाद बहुत लंबे समय के बाद हेड स्ट्रोक आई और कुछ वॉइसेस सुनाई दी फातिमा के बारे में, जिसके स्नीक पीक क्लिप भी लीक हुई थी। और फिर सारा बॉयड एंड एलिस के पास जाती है फातिमा के बारे में पूछने, यानी कॉन्फर्मेशन लेने की जो भी मुझे सुनाई दिया फातिमा के बारे में सच है या नहीं। और सच ही होता है, क्योंकि फातिमा गायब हो चुकी है, और ये बात टाउन में अभी तक बॉयड और एलिस ने किसी को नहीं बताया था, और ये खबर सारा को पता होने पर बॉयड शॉक भी हुआ। तभी सारा एक्सप्लेन करती है कि कल रात मुझे कुछ वॉइसेस सुनाई दी कि फातिमा को तुम लोग टाइम पर नहीं ढूंढ पाओगे, और ये भी कि तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। तभी बॉयड एंड एलिस डिसाइड करते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, और टाउन के लोगों को बताना चाहिए एंड सर्च पार्टी तैयार करनी चाहिए। और डाइनर के बाहर टाउन की मीटिंग रखी जाती है, फातिमा के बारे में बताया जाता है कि वो मिसिंग है और क्यों ना उसे ढूंढा जाए, और सभी लोग एक एक पेयर में फातिमा को ढूंढने निकल जाते हैं जंगल में। लेकिन दूसरी तरफ विक्टर, जो काफी परेशान देखने को मिला उन पुरानी यादों की वजह से, और उसने उस फार अवे बॉटल ट्री को ही काटने का निर्णय लिया, और कॉलोनी हाउस से एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने निकल पड़ता है, जहां कॉलोनी हाउस के लोग विक्टर का ये रौद्र रूप देखकर घबरा भी गए, क्योंकि विक्टर पहले ही साइको दिखता है तो लोग वैसे ही उससे थोड़ा डरते भी हैं। उन्हें लगा कि वो उन पे हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, और वो जंगल में फार अवे ट्री को काटने निकल पड़ता है, जहां बॉय इन व्हाइट विक्टर को पेड़ काटने से रोकता भी है, और बॉय इन व्हाइट डांटने के अंदाज में विक्टर को रोकता था, जहां बॉय इन व्हाइट ने ही बोला कि ये पेड़ इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी विक्टर बॉय इन व्हाइट से हेल्प करने को कहता है, और बॉय इन व्हाइट रिफ्यूज करता है कि तुम्हें खुद ही रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार
हेल्प करने की कोशिश करी थी क्रिस्टोफर की, बट उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। दैट्स वाई कि तुम लोग खुद ही रास्ता निकालोगे। स्टोरी के दूसरे एंगल में फातिमा को लगातार ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। डोना एंड पुलिस लेडी अलग जंगल में फातिमा को ढूंढ रहे हैं। उधर जिम एंड एथन फातिमा को ढूंढते हुए दोबारा अपनी पुरानी वैन में चले जाते हैं और वहां टेलीफोन लाइन पर फिर से थॉमस की आवाज सुनाई देती है, बट दे इग्नोर्ड हिम। उधर एल्जिन एंड एलिस फातिमा को लेक साइड पर ढूंढ रहे हैं, जहां एल्जिन ने एलिस से इशारों में बात करने की सोची कि शायद फातिमा का गायब होना हमारे अच्छे के लिए ही हो, इस टाउन की हेल्प करने के लिए ही हो। जहां से एलिस के एक सस्पिशियस लुक से जाहिर सा हुआ कि उसे एल्जिन पर शक हो रहा है फातिमा को गायब करने के लिए। तभी स्टोरी के दूसरे एंगल में उस खून के पीने के बाद फातिमा की बैली बड़ी दिखती नजर आई है, यानी फुल ग्रोन अप बेबी देखने को मिलता है एक ही दिन में, जो अगेन कॉन्फर्मेशन का साइन देता है कि यस इट इज ए मॉन्स्टर बेबी इनसाइड द बैली ऑफ फातिमा। और तभी फातिमा को एक अंडरग्राउंड सुरंग का दरवाजा भी मिलता है, जिसके ऊपर की मिट्टी वो हटाने लगती है और ये नया दरवाजा मिस्ट्री कलेक्ट करता है बाबा। इसके बाद हम ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट जहां स्टोरी एक नया बिल्डअप ले रही है वो है जेड एंड हेनरी के पार्ट में। टाउन से दूर एक हाउस के बगल में जेड खुद एक नया बॉटल ट्री बना रहा है, जहां हाउस के छत में उसने क्रिस्टोफर को बैठा देखा, वो भी जैस्पर के साथ। और अगेन जैस्पर की उस चीख ने जेड को डिस्टर्ब किया, जो उस सीढ़ी से नीचे गिरते गिरते बचा था। और बाबा यहाँ भी मिस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि जेड और क्रिस्टोफर के कनेक्शन से रिलेटेड पहले ही भी हम कई बात कर चुके हैं, जिसकी बात और अच्छे से ब्रेकडाउन वाली वीडियो में करने वाले हैं इस डेटा के बाद। अब बात करते हैं इस पूरे ड्रैगिंग एपिसोड के मेन पार्ट के बारे में, और सिर्फ यही मोमेंट इस एपिसोड का ठीक लगा, बाकी सब स्टोरी खींचने का जैसा ही काम लग रहा था। स्टोरी का एंगल जाता है जूलियन टैबिथा की तरफ, जहां वो दोनों भी फातिमा को ढूंढ रहे हैं, और तभी जूली टैबिथा को उस डंजन प्लेस में जो भी हुआ उसके बारे में बताती है, कैसे उसने खुद को, रैंडल और मेरिल को उस चेन में बंधे चीखते हुए देखा। देन उसने मार्टिन को भी जिक्र किया था, उसके बाद उसने जो भी गुफा में एक्सपीरियंस करा था वो भी बताया, कि उसने विक्टर और टैबिथा की भी आवाज़ सुनी थी, देन उन आंकुई चिल्ड्रन की चीखने की भी आवाज़ सुनी थी, ये सब उसने टैबिथा को बताया। तभी टैबिथा को एक आंकुई चाइल्ड दिखता है सडनली, जो जूली एंड टैबिथा को उस रूट सेलर तक ले जाता है जहां फातिमा कैद है। और तभी अंदर फातिमा को फिर से किमिनो वुमन दिखाई देती है, जो फातिमा के मुंह बंद करके उस पर चढ़ी होती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि जस्ट बाहर जूली एंड टैबिथा पहुंच चुके थे। बट सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट विक्टर भी उसी रूट सेलर के अंदर पहुंचा हुआ होता है, और टैबिथा अंदर जाते ही तो विक्टर को देखती है वहां पर। एंड तभी विक्टर को याद आता है कि लास्ट टाइम यही उसने अपनी मॉम मिरांडा को देखा था, मिरांडा के फार अवे बॉटल ट्री पर जाने से पहले। तभी टैबिथा विक्टर को गले लगा लेती है, और बाबा इस एपिसोड का मास्टर ब्लास्टर बूम होता है। टैबिथा को एक विजन आता है जिसमें वो मिरांडा को देखती है, इसी के साथ साथ विक्टर एंड उसकी बहन को भी देखती है, जो मिरांडा लास्ट टाइम विक्टर और उसकी बहन को गले लगाकर यही रूट सेलर में छोड़कर भागती है फार अवे बॉटल ट्री की तरफ। एंड बॉटल ट्री पर जाते ही स्माइली मॉन्स्टर मिरांडा पर अटैक कर देता है, एंड एपिसोड का दी एंड हो जाता है यहाँ पर। सो दिस इज द रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड 9, जो एंडिंग को छोड़कर उतना खास नहीं था, मतलब सीजन 3 का सेकेंड लास्ट एपिसोड है और इतना कम देकर जाएगा भाई, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन बाबा हाँ, एंडिंग बहुत प्यारी करी गई है, जिसकी बात हम ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में करेंगे जरूर अच्छे से, और आज रात तक ही मैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो भी ले आऊँगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन बहुतों के मन में सवाल चल रहा होगा अब कि क्या टैबिथा विक्टर की बहन है, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि वो बहन नहीं है, तो कुछ लोग भाई जल्दबाजी में मुझे गाली देने की भी कोशिश करेंगे, तो बाबा एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तक रुक जाना, वहाँ पर्दाफाश हो जाएगा कि टैबिथा कौन होने वाली है, विक्टर की बहन या फिर खुद मिरांडा। बाकी तुम लोग बताओ जब तक कि एंडिंग कैसी लगी बाबा, कौन कौन कितना कंफ्यूज है इस एंडिंग से, और क्या सवाल है तुम्हारे इस एंडिंग को लेकर, जरूर बता के जाना। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब टैबिथा का क्या, तो मिलते हैं अब एंडिंग एक्सप्लेन एंड ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बाबा, और यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।